347 का सेकंड क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज एन स्क्वायर फाइंड देन फाइंड इट्स टेंथ टर्म। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका एन स्क्वायर, तो एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर, यानी आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे अगर हम लोग बात करें nth टर्म के लिए फॉर्मूला का, तो वह एस एन माइनस का एस एन माइनस वन हो जाएगा, यानी अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें n, चलो इस तरीके से भी देख लो आप एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 1, तो यहाँ nth टर्म पहले निकाल लेते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं माइनस एन स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 1, ये इससे कट जाएगा nth टर्म आ गया 2n माइनस 1। तो अगर हमें यहाँ पर इसका क्या निकालना है जी टेंथ टर्म, तो 10 पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू में 10, तो a 10 जो हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में 10 माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 19 इसका हो जाएगा टेंथ टर्म। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए।